आशीर्वाद मिल रहा है। ये साफ संकेत है कि सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा है इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे मैं युवा हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। सबसे जरूरी लड़ाई मेरे लिए मेरे नौजवान साथियों के लिए रोजगार की है उनको। लेकिन जिस तरह से आप सर गली गली और चक्की चौराहे पर जा रहे हैं, आपको इस तरह से देखने के बाद क्या लोगों को समर्थन मिल रहा है? आप खुद ही देख रहे हो सुबह से कैसे हजारों की संख्या में मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी किस तरीके से प्यार दे रहे हैं, ये साफ संकेत। क्या कहेंगे सर, इस विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है क्या माहौल लग रहा है? देखिए जिस तरीके से लोगों का प्यार और समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, ये साफ संकेत है कि 8 तारीख को भाजपा जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा है इसमें युवाओं और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पे मैं युवा हूँ, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। सबसे जरूरी लड़ाई मेरे लिए मेरे नौजवान साथियों के लिए रोजगार की है उनको, अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ाई है, और महिलाओं को उनका हक मिले, महिला उत्थान के लिए नई योजनाएं कांग्रेस पार्टी पहले भी लेते आई है। तो इन सब बातों को लेके हम पानीपत ग्रामीण का विकास करेंगे और लोगों में 10 साल से ये सरकार है, बड़ा भारी रोष है इस सरकार के खिलाफ। इन्होंने कोई भी वर्ग का काम करने का काम नहीं किया, लोग तैयार बैठे हैं। आप देखोगे 5 तारीख को जब वोटिंग होगी भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आप सर गली गली और चक्की चौराहे पर जा रहे हैं, आपको इस तरह से देखने के बाद क्या लोगों को समर्थन मिल रहा है? आप खुद ही देख रहे हो सुबह से कैसे हजारों की संख्या में मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी किस तरीके से प्यार दे रहे हैं, ये साफ संकेत। चलिए तो ये सचिन कुट्टू जी थे और देख सकते हैं आप उनके चारों तरफ कितनी संख्या में भीड़ है और ये गली मोहल्ले में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चुनाव है और ये मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत के दौरान जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छा पैकेज होगा, उनको उज्ज्वल भविष्य के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जो युवा है और भी जो तमाम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी मतलब रोजगार सृजन किया जाएगा। और ये देख सकते हैं उनका ये काफिला निकला हुआ है सचिन कुट्टू जी का और पूरे ये जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा है उसके अंतर्गत ये लोग विकास के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।